करनाल के सेक्टर 14 पंडित चिरंजीलाल शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज में एनसीसी के छात्र छात्राओं के मध्य एयर शो का आयोजन किया गया, जिसमें एनसीसी के कैंडिडेट द्वारा एयर शो के अंतर्गत हवा में हवाई जांच को कलाबाजी करवाई गई। इस मौके पर एनसीसी के अधिकारियों ने बताया कि कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष में गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 14 में यह एयर शो किया गया है, जिसको बच्चों द्वारा भाग लेकर सफल बनाया गया है। उन्होंने कहा कि आगामी 5 अगस्त को एनसीसी का एक बड़ा कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें जाने के लिए इन एनसीसी छात्रों को तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एनसीसी में भाग देकर देश की सेवा में अपना योगदान दे। एनसीसी में सिलेक्ट होने वाले बच्चे आगे चलकर वायुसेना थल तथा जन सेना थल के में भर्ती होंगे और देश की सेवा करते रहेंगे। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने बताया कि यह उनके लिए एक रोमांचक क्षण है, जिसमें एनसीसी के उच्च अधिकारी आकर छात्र छात्राओं को सेना के बारे में जानकारी देते हैं और देशभक्ति का जज्बा पैदा करते हैं। या हम आपको बता दें कि गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 14 के छात्र छात्राओं पहले भी एनसीसी में राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कमा चुके हैं, जिसके चलते गणतंत्र दिवस की परेड में भी करनाल के पंडित चिरंजीलाल शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज के छात्र छात्राएं शामिल हो चुके हैं, जो एक सम्मानजनक विषय है। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं को एनसीसी में भाग लेना चाहिए। लाल शर्मा गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में जहाँ पर बड़ी धूमधाम से कारगिल दिवस मनाया जा रहा है, तो आइए हम बात करते हैं यहाँ के एनसीसी कुछ कैडेट से। आपका नाम? कैडेट दीपक। तो आपने यहाँ पर कितने साल हो गए आपका एनसीसी में? जी मुझे अभी फर्स्ट ईयर ही हम लोग मेरा हुआ, सेकंड ईयर में अभी एडमिशन लिया। आपने यहाँ पर क्या क्या सीखा नया? मैम आज मैंने यहाँ पे आके अपनी डेवलपमेंट तो स्किल डेवलपमेंट, और कभी आज तक मैंने जैसे ये एयरक्राफ्ट हो गया या फिर जहाज टाइप कभी देखा नहीं था। मेरा शुरू से ही सपना था कि मैं सिर्फ डिफेंस में ही जाऊँ, तो यहाँ आके मुझे एक हमारा एक वे दिखा कि मैं जिस वे पे चलकर डिफेंस ज्वाइन कर सकता हूँ, एयर फोर्स ज्वाइन कर सकता हूँ। यहाँ के जो हमारे सर हैं वो हमें एयर मॉडलिंग हो गया, जैसे रेड हो गया, एयरक्राफ्टिंग हो गया और फ्लाइंग, बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं। एनसीसी कोई एक रीज़न ही एनसीसी ज्वाइन करने का, देयर आर सेवरल रीजंस लाइक पर्सनैलिटी डेवलप होती है, इससे हमारा हमें बहुत सारी चीज़ों का एक तरह से एक्सपोजर मिलता है। जैसे आज आज मैंने मतलब कभी भी एयरक्राफ्ट नहीं देखे थे, लेकिन इट्स अ फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। जयपुर एयरक्राफ्ट है और सर ये रियल एयरक्राफ्ट का 130th रेशियो है और सर ये बालसा वुड से किया जाता है, क्योंकि सर ये काफ़ी सॉफ्ट होती है और सर इसको इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है, और सर इसके विंग और ये सर टेम फिन वगैरह और फ्यूजलाइज वगैरह सब उससे रेडी की जाती है सर ये, और ये काफ़ी सॉफ्ट होती है इसलिए, और सर ये इसकी डिटेल्स वगैरह हैं जो कि सर, और ये सर इसकी विंग है और सर इसमें इसकी सर स्पीड है जो 1350 किलोमीटर पर आ रहा है, और सर इसकी रेंज है 3500 किलोमीटर फ्यूल के पीछे। कैंप लगाया गया है, क्या पर्पज है इसका, क्या कुछ सिखाया गया बच्चों को? आज हमने बेसिकली गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में एक एयर शो का आयोजन किया, और ये आयोजन हमने कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में भी किया है, और हमारा 5 अगस्त को यहाँ एनरोलमेंट ड्राइव भी होने वाला है, जिसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसका आयोजन किया है, और हमारे एनसीसी कैडेट्स पूरे एयर शो को देखे हैं, और जो नए यहाँ पर बच्चे जो एडमिशन लिए हैं उनके लिए भी मोटिवेशनल है कि वो आके एनसीसी ज्वाइन करें, और इसकी एनसीसी ज्वाइन करने के बाद में भारतीय सेना, वायुसेना या जल सेना में अपना योगदान दें। तो आज क्या कुछ सिखाया है बच्चों को? बच्चों को बेसिकली यहाँ पर AMI हमारे हैं एयरो मॉडलिंग इंस्ट्रक्टर मिस्टर जगदीप सिंह कपिल, उन्होंने बच्चों को एयरो मॉडलिंग के बारे में सिखाया है, और आप एक स्टैटिक मॉडल देख रहे हैं, बच्चों ने हमारी यूनिट में खुद इसको बनाया है, बेसिकली ये जयपुर एयरक्राफ्ट है, बच्चों ने खुद इसको बनाया है, और इसको लेके ऑल इंडिया वायुसैनिक कैंप में जाएंगे और बच्चे वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, और होपफुली हम होप कर रहे हैं कि इस बार भी बच्चे हमारे वहाँ पर गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल लेके आएँ। और हमारे आपने देखा होगा कि हमारे विंग कमांडर पवन गोयल सर जो कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, माइक्रोलेट वायरस का फ्लाइंग ऊपर से वायु सीमा के ऊपर में किया था, और उसमें आपके गवर्नमेंट पीजी कॉलेज का एक बच्चा धनंजय कुमार भी उसमें जहाज में बैठा हुआ था। ये सब कराने का मेन उद्देश्य ये था कि बच्चों में मोटिवेशन हो, उनका मनोबल ऊँचा हो और वो भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करें। हमने भी बात की कुछ एनसीसी कैडेट से, जिन्होंने इस एयर शो के बारे में बताया और कारगिल दिवस के बारे में बताया। मैं मानसी, समाचार एक्सप्रेस से। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।